देश में जो गंदगी है ना, वो तो पैसे वालों ने फैलाई है, वरना गरीब जो है वो अक्सर देखेंगे सड़क से थैलियां उठाएगा या फिर कोई भी चीज। यानी अगर देश बनाने की बात आती है ना, यानी बिल्डिंग बनाना, कुछ भी काम करना, साफ करना, सफाई करना, वो गरीबी करता है। और गरीब को वोट से कुछ मतलब नहीं है, वो उसको तो डेली कमाना है और डेली खाना है, अपने परिवार का पेट पालना है। जब वोट आता है तो मिडिल क्लास फैमिली या नेता 500 रुपया देकर वोट दिलवाते हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उनका लाइफ खराब करने में ना मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो नेता है उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इनको वोट दिलाते वक्त ना पैसा मत दो, इनको बताओ कि कौन सा नेता सही है, ठीक है ना। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। और आज कवर करेंगे हम सभी 4 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, और रात को 11:30 बजे फरवरी का करेंट अफेयर का पूरा रिवीजन कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। उसके पहले आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तो आने वाले एक साल तक आपको हर एक एग्जाम का टेस्ट कम से कम 20 से 25 दिया जाएगा। और आज का पहला प्रश्न है, लद्दाख में कारगिल के पहले सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, आपको यह बताना है ना वो जो प्लांट है वो कितने किलोवाट की है, कितने किलोवाट की क्षमता का प्लांट है जिसका जो है उद्घाटन किया गया है, कहां पर, लद्दाख में। तो वो है आपका 5 किलोवाट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। और ये कहां पर बैठेगा, लद्दाख में। अगर बात करूं लद्दाख के राज्यपाल, हालांकि लद्दाख में राज्यपाल नहीं होता है, उप राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। तो कौन है वहां का, राधा कृष्णा माथुर। क्यों, क्योंकि भैया ये केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता है, उप राज्यपाल होता है। तो वो कौन है दिल्ली का, दिल्ली का कौन है बोलो, तो आप बोलेंगे अनिल बैजल। अगर मैं बात करूं ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर का उपराज्यपाल तो क्या बोलेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा राज्य है जो 15 जून से जितने भी स्टूडेंट जो नीट की तैयारी करते हैं ना उनके लिए मुफ्त ऑनलाइन, मुफ्त में यानी फ्री में ऑनलाइन कोचिंग देने का फैसला किया है। जो भी नीट की तैयारी करते हैं उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी ऑनलाइन, कौन से राज्य में, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर बात करें तमिलनाडु के सीएम कौन है तो आप बोलेंगे इडापड़ी के पलनीस्वामी। अगर राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित वहां के राज्यपाल है, राज्यपाल। और कैपिटल क्या है आपका, चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में किसे चुना है। बहुत ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं ना 10 से 11 मिनट के अंदर पर डे, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अगर 10 मिनट डेली टाइम निकाल लेते हैं ना, आप एग्जाम देने जाना, आप बोलेंगे भैया एक एक क्वेश्चन कर कर आए। और ये प्रमाण है, अभी रिसेंट में सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, या रिसेंट में जो भी एग्जाम हुआ आप उठाकर देख सकते हैं। और मैंने एनालाइज करते वक्त बताया भी है एक एक क्वेश्चन कैसे फंसा है, इसका आंसर क्या होगा। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी किससे बनाया गया है, एसएन राजेश्वरी को, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हालांकि मेरे जो भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष, अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। अभी कौन था, अभी कौन है, अभी वो हटे नहीं है, तो केबी कामत वो थे, ठीक है, लेकिन उनके बाद कौन बनेगा, तो उनके बाद बनाया जाएगा आपका मार्कस ट्राइजो को, ऑप्शन नंबर आपका डी, रट लेना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, संघाई चाइना में पड़ता है। और इसका गठन कब हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो आप बोलेंगे 15 जुलाई 2014 को।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, और क्या नाम है उनका? नरेंद्र बात्रा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्रीलंका का वो कौन सा गेंदबाज है जिसको अवैध ड्रग रखने के आरोप में क्रिकेट के सभी रूपों से निलंबित कर दिया गया है? कौन सा प्लेयर है? देखो मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी गलत काम करते हैं ना और आपको लगता है कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, ऊपर वाला कहीं ना कहीं देख रहा है और उनके लाठी में आवाज नहीं होता है, किसी ना किसी रूप में उसका सजा आपको जरूर मिलेगा और उस समय आपको पता चलेगा हम तो कुछ किए ही नहीं। अरे अगर आप पिछले जो आप पास्ट में काम किए उसको याद करो तो उससे इसका क्या लेना देना है। इसी को बोलते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है। तो कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचिए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में। तो किस श्रीलंकाई गेंदबाज को अवैध ड्रग रखने के आरोप में क्रिकेट के सभी रूपों से निलंबित किया गया है? तो ये वही है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है सेहाना मधुसंका, ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को भूमि का, यानी जितने भी जमीन है खेत है ना, उनका मालिकाना हक प्रदान करने के लिए कौन सा स्कीम के अंदर स्वामित्व योजना के तहत एक डाटाबेस तैयार कर रही है? अब क्या है भैया, देखो इसके अंदर क्या होगा ना, कहां की राज्य सरकार पहले वो सुन लो, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जमीन है उसका मैपिंग किया जाएगा। मैपिंग का मतलब क्या होता है? हर एक जानकारी, हर एक डाटा रखा जाएगा और उसके तहत हर एक किसान बोल सकते हो, हर एक नागरिक को उनका जमीन का हक जो है वो दिलाया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और अगर बात करूं वहां का राजधानी तो सभी को पता है, क्या है? भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो एमपी रह चुके हैं वीरेंद्र कुमार, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस जगह से राज्यसभा के सदस्य थे ये आपको बताना है। कहां से थे? तो केरल से, केरला से। और ये दो बार एमपी भी रह चुके हैं लोकसभा से 1987 में। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि अगर आप आजकल के डेट में क्या है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों दिखाएं भैया, क्योंकि हमारा देश का जो भविष्य है ना वो नेता के हाथ में ही है। अब कौन नेता कैसा है कैसा नहीं है थोड़ा जानकारी तो रखोगे ना, थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओगे, थोड़ा सवाल तो पूछोगे ना कि देश में गलत क्यों हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। तो ये सब थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहिए सभी को, क्योंकि हमारे देश का सवाल है। तो 1987 में दो बार जो है वो एमपी रह चुके हैं केरला से ये, और ये राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कहां से, कौन से असेंबली से? केरला से। और आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, केरल के राज्यपाल का नाम क्या है, और केरल का जो क्या बोलते हैं राजधानी है वो क्या है? ये तीन चीज आपको कॉमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सभी जानते होंगे ना तहलका मचाया था कुछ दिन पहले यूएन में जाकर, क्या नाम है? रवीश कुमार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को किस राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए, रवीश कुमार को फिनलैंड का अगला राजदूत बनाया गया है भारत की तरफ से। अगर बात करूं फिनलैंड को लेकर तो फिनलैंड का कैपिटल क्या है, राजधानी तो हेलसिंकी। अगर बात करूं वहां का मुद्रा क्या है तो वहां पर मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है यूरो। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, यह एक महिला है बहुत खूबसूरत है, क्या नाम है? सना मैरिन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आज ही के दिन 4 जून को मोदी जी ने किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन करेंगे, और यह पूरा वर्चुअल किया जाएगा, ऑनलाइन मीटिंग होगा ये, और आज ही किया जाएगा, किस देश के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है ना स्कॉट मॉरिसन, उनके साथ आज वर्चुअल मीटिंग किया जाएगा। आज बोल रहे मतलब आज 4 जून को वर्चुअल मीटिंग किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ। याद रखिएगा कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का, कैनबरा।
अच्छा कुछ लोग बोलते थे या दो तीन लोग कमेंट्स भी किए थे, भैया ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, जो राजधानी है ना, वो सिडनी है। बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो कैनबरा है, याद रखिएगा, बहुत जन को डाउट होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मुद्रा इस्तेमाल होता है वो क्या, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 4 जून का। डेली 10 से 11 मिनट का टाइम लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको अपडेट कर देता हूं, एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होने वाला है। रात को 11:30 बजे फरवरी के करेंट अफेयर के रिवीजन क्लास के साथ आप सभी से मिलूंगा। तब तक आप सभी पढ़ाई करो, रिवीजन करो, क्लास को जान लगाओ, ताकि एग्जाम जो भी आने वाला है वो आप सभी का निकल पाए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।